सभी पत्रकार बंधुओं को आज बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। जिस तरीके से हमारे ईस्ट के सांसद गौतम गंभीर बार बार SLF साइट पर जाकर के एक अच्छी सी फ़ोटो खिंचाते थे और कहते थे मुझे बहुत चिंता है, मुझे बहुत समझ है और मैं इसकी समस्या का निवारण करने के लिए यहाँ SLF साइट पे आता हूँ। कल से इस SLF साइट पे गाजीपुर में लगातार आग लगी हुई है। इतना धुआं है कि अगर आप और हम वहाँ 10 मिनट खड़े हो जाएं तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाए। आज तमाम उस क्षेत्र में रहने वाले लोग उस धुएं की परेशानी को झेल रहे हैं। अस्थमे के मरीज अपनी जान देने की नौबत पे आ चुके हैं। वहाँ लोग भर भर के रिक्शा ऑटो में के अंदर अपने हॉस्पिटल जा रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए। ऐसी तमाम परेशानियों से उस क्षेत्र के लोग जूझ रहे हैं। बदबू भरा धुआं उनके घरों की रसोई तक पहुंच गया है, उनके बेडरूम तक पहुंच गया है। लेकिन बहुत ही अफसोस होता है जब इस SLF साइट पर ट्रॉमेल मशीन के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कूड़े के निस्तारण के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि इस SLF साइट के लिए 26 ट्रॉमेल मशीन इस्तेमाल हो रही हैं, 18 लोडर, 4 बुलडोजर, 13 एक्सकेवेटर, 22 हाइवा और 22 ट्रक इस्तेमाल हो रहे हैं। निस्तारण के बाद कूड़े को ले जाने के लिए तकरीबन 44, जिसके अंदर 20 हाइवा और 20 ट्रक इस्तेमाल हो रहे हैं। वो ट्रॉमेल मशीन 26 की संख्या में लगाई गई है, जो अभी मैंने अभियांत्रिकी विभाग से जानकारी ली है MCD के, और पता चलता है कि पर डे 2000 टन कूड़े का निस्तारण हो रहा है, 2000 टन। लेकिन फ्रेश जो कूड़ा आ रहा है, जो फ्रेश वेस्ट आ रहा है, जो मेट्रो वेस्ट कंपनी वहाँ डाल करके जाती है, वो तकरीबन 2300 से 2500 टन के बीच में पर डे डाल रही है। 500 टन कूड़ा आज भी बैलेंस रह जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ गौतम गंभीर जी से, पूरी भारतीय जनता पार्टी से, उनके निगम के नेताओं से, कि जब 500 टन कूड़ा बैलेंस रहता है तो कैसे ये कूड़े का पहाड़ ख़त्म होगा? जब मौसम बदलता है, बार बार कहते हैं मीथेन गैस निकलते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से इसमें आग लग जाती है। अगर मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है तो उस मीथेन गैस का कोई उपचार तो होगा, कोई इलाज तो होगा, उस आग से बचाने का कोई तो तरीका होगा, या जनता को उस आग के धुएं में झोंक दिया जाएगा? इस पे थोड़ा सा ध्यान आपका बजट पे भी लाना चाहता हूँ। तकरीबन तकरीबन 10 लाख रुपए प्रतिदिन इस SLF साइट के कूड़े के निस्तारण पर डे खर्च किया जाता है, जो ट्रॉमेल के जरिए होता है उस पे 10 लाख रुपए खर्च किया जाता है। उसके अलावा 22 हाइवा जो बाहर से बड़े ट्रांसपोर्टरों से एंगेज किए गए हैं, जो 7000 रुपये 8 घंटे के लिए उनको बांध दे दिया जाता है, एक ट्रक को 7000 रुपये। तो ऐसे 22 ट्रकों को तकरीबन तकरीबन 1,54,000 रुपये पर डे दिया जाता है। तो 11.5 लाख रुपये पर डे खर्चा इस SLF साइट के ऊपर आता है। लेकिन 11.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद, एक महीने में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी इस SLF साइट के कूड़े का निस्तारण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, इस पे आग लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि सांसद गौतम गंभीर जी, आज IPL के मैच चल रहे हैं, कहीं IPL के मैचों में बिजी हैं, जिसकी वजह से आज उन्हें यह धुआं दिखाई नहीं दे रहा, आज उन्हें आग दिखाई नहीं दे रही। कल से वो इस साइट पे जाकर के विजिट करने नहीं गए, कल से उन्होंने इसके संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं समझी कि आखिर क्या हो रहा है उनके संसदीय क्षेत्र में के अंदर, किस तरीके से लोगों का रहना दूभर हो रहा है। आज ये धुआं प्रीत विहार के लोगों तक कहाँ पहुंचा है। तो मैं समझता हूँ कि सांसद गौतम गंभीर जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था, निगम के तमाम नेताओं को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था, मेयर साहब को संज्ञान लेना चाहिए था,
कि आखिर क्या हुआ है, क्या साइट पे जाकर के इन लोगों ने देखा किस तरीके से वहाँ लोग वहाँ खड़े नहीं हो पा रहे। मैं स्वयं वहाँ गया 2 बार, मैंने वहाँ स्थिति का जायजा लिया, कल भी गया और आज भी गया। कल वहाँ बहुत बुरे तरीके से आग लगी हुई थी, आज वहाँ इतना भयानक धुआं है कि आप वहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हो, वहाँ सांस नहीं ले पा रहे हो, वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया है। मैं समझता हूँ कि जब हम 10 मिनट में हमारा ये हाल है, तो जो जनता वहाँ उस क्षेत्र के अंदर रहती है, जो जनता अपने घरों के अंदर अपने परिवार के साथ रहती है, अपने बच्चों के साथ रहती है, उन बच्चों का क्या हाल होगा, उन माताओं का, बुजुर्गों का क्या हाल हो रहा होगा, उनको सांस लेना दूभर हो रहा होगा। इस पे मैं गौतम